प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में बदलाव दिख रहा है। सड़क और अधोसंरचना के साथ ही मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री नेता और अधिकारियों को मणिपुर की जरूरत के मुताबिक योजनाएं बनाने को कहा गया है। सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। 2014 के बाद पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर में सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासन, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला और संस्कृति के साथ अनेक क्षेत्रों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया।